चलिए शुरू करते हैं इसका आगे का पार्ट। तो अब तक जो है आपने इस टाइप का देख लिया कि जो है हम लोग किस टाइप से रेक्टेंगल से और पेन टूल का यूज करके जो है अपने अपना क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन, ठीक है। अब जो मैं बात करूंगा, अब मैं आता है जो इससे जो है फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे ले सकते हैं, फाइनल जो है से कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो वही चीज देखते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू कंपोजिशन लेता हूँ, यहाँ पर दोबारा बात करेंगे। अब हमने लेना है वो साइज जो हमने नॉर्मल जो है हम लोग अपना कंसेप्ट या अपना जो किस सेटअप पे बनाया हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो फाइनल रिजल्ट लगाया हुआ है एलईडी वॉल को जो इंस्टॉलेशन किया हुआ है, आप जो है वो सेटअप हम लोग वो साइज हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसको हम लोग छोटे से छोटे पार्ट्स के अंदर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ पहले सेंटर स्क्रीन लगाई है, फिर साइड के विंग्स लगाए हैं, देन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लो आप यहाँ पर सेंटर स्क्रीन की बात करते हैं, तो अगर आपने 8 पैनल विथ के अंदर लगाए हैं तो 960 उसकी विथ हुई, और हाइट की बात करूंगा 6 पैनल आपने हाइट के अंदर लगाए हैं तो 720 उसकी हाइट हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जो है वो उसको फिल कर देना है ना, उसी जो है जो हमारी जो है सेंटर की स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगी वही हमने यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर किया, देन इसको वही 10 सेकंड्स पे रखते हैं, देन हिट ओके। आप ओके करने के बाद में आप रेक्टेंगल टूल्स पे जाएंगे। सबसे पहले तो रेक्टेंगल टूल से क्या करेंगे जो है, ये किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बोला रेड में अगर लेते हैं तो यहाँ से आप जिस साइज में बनाना चाहें उस साइज को आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। जो साइज आप चाहते हैं वही साइज आप रख लीजिए, कि आपके जो है मैंने पहले भी बोला कि आपके जो बॉर्डर की थिकनेस कितनी चाहिए, ठीक है। 20 पिक्सल्स की बात कर लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। इस रेक्टेंगल पे अभी हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे जो साइज हमने जो है हमारी सेंटर स्क्रीन का था उसके चारों तरफ हमारा बॉर्डर क्रिएट होकर आ गया है। पहले बताया था जो ऐड में जाकर हमने क्या करना है, ऑफसेट करना है। ऑफसेट में जाकर जो है हमें यहाँ पर 20 की जगह पर कितना कर लेना है, क्योंकि ये अभी जो है आउटसाइड था, सॉरी सेंटर में था, तो हमें इसको किसको किस में करना है, इनसाइड के अंदर करना है। तो -10 कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, मैंने 10 किया, -10 करते ही ये जो है पूरा का पूरा बॉर्डर जो है मेरे सामने क्रिएट हो चुका है। ये बॉर्डर क्रिएट होने के बाद में जो है आप ऐसा ही सिंपल तरीके से बॉर्डर और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये तो मान लीजिए आप नॉर्मली फोटोशॉप में भी कर सकते थे, बट मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये रनिंग में काम करे और रनिंग के अंदर ये बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है कुछ कॉपीज बना लेते हैं, 3 कॉपीज करते हैं इसको, Ctrl D करके जो है कॉपी बन जाती है। आज मैं फिर इसको जो भूल चुका हूँ, दोबारा शुरू करते हैं इसको भी और अब जो है अगर मान लीजिए Ctrl D करता हूं मैं तो यहां से आपको और नजर आ जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो 3 कॉपीज बना ली है हमने, यहाँ पे Ctrl D किया है। अब Ctrl D करने से क्या होता है, तीनों कॉपी जो है वो सेम है, सिमिलर है। तो सबसे पहले लेते हैं ब्लैक सेंटर वाली कॉपीज को और इसका कलर जो है हम लोग ब्लैक कर देते हैं और इसकी जो पिक्सल साइज जो है वो कम कर देते हैं। और ये मैंने क्यों किया है, इसका सिंपल सा कारण बताता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 3 सिमिलर चीजें हैं, 3 कुछ भी आप किसी भी चीज को अगर आप बिल्कुल सामने से उसको देखोगे ना, तीनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़ी हुई है, तो सबसे आगे वाली ही आपको नजर आएगी, पीछे वाली नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमने तीनों पार्ट्स देखूं, तो कहीं ना कहीं मुझे पार्ट्स के अंदर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, किसी का साइज छोटा करना पड़ेगा, किसी का बड़ा करना पड़ेगा, इस टाइप से। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो सेकेंड पार्ट को कितना किया मैंने, ब्लैक कलर कर दिया, 16 पिक्सल का कर दिया। सबसे टॉप वाला पार्ट जो है, ये सबसे टॉप वाली लेयर है, इसको जो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ या कोई भी आप कलर कर सकते हो। एंड इसको जो है हम लोग ले लेते हैं 10 पिक्सल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 पिक्सल्स ले लिए हैं और देखेंगे कि अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा हमारे साथ सामने व्यू आ जाता है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट रखूं तो ये सब ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन ये देखें पीछे रेड कलर की एक लाइन आ गई है, ऊपर ग्रे कलर की आ गया और इसके पीछे देखेंगे तो आप एक ब्लैक कलर भी आ गया है। तो मेरे पास ये तीनों जो शेप लेयर्स तीनों दिखाई दे रही है, रेड दिख रही है, ब्लैक भी दिख रही है और ग्रे भी दिख रही है। तो तीनों स्लाइसें मेरे पास जो है ये मुझे शो हो रही है, ओके। तो
इस टाइप से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरी वाली, जो हम जिसको एनिमेट करना है। मैंने पहले भी आपको बताया, कंटेंट में जाते हैं, यहाँ रेक्टेंगल में जाते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर जाते हैं और यहाँ से स्ट्रोक में क्या करते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं। और यहाँ पर जाकर जो है आप अपने अपने तरीके से, टेपर मैंने बताया, वेब बताया, डैशेज की बात करेंगे पहले, तो डैशेज के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जाकर मैं इसकी जो है डैशेज कुछ इस टाइप के डैशेज बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और अगर आप इसको ऑफसेट के ऊपर ऑल्ट के साथ में क्लिक करते हैं, ऑल्ट के साथ में घड़ी के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर प्रेस करना है टाइम और स्टार और -100, ठीक है, -100 कर सकते हैं, +100 कर सकते हैं। ये माइनस और प्लस के अंदर से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए इस टाइप से जो इसका आपका बॉर्डर जो है रनिंग करना, प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये आपने सेंटर के लिए बना लिया। अब सेंटर में बनाने के बाद में जो क्या काम करते हैं, एक और विंग्स बनाते हैं, यहां से मैं लेता हूं। अब मैं इसको साइड विंग्स कर देता हूं, साइड, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं साइड विंग्स। और इसका साइज जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं लेता हूं अभी यहां से दो पैनल्स की, मतलब वन पैनल 120 होता है और टू पैनल्स तो 720 होता है, ठीक है। एंड हिट ओके, यहाँ पे हिट ओके, ये आ गया आपके पास में। और आपने रेक्टेंगल से ही इसको जो है यहाँ पर कर लेना है और यहाँ से इसका कलर जो है पहले की तरह रेड, और ये कितना पिक्सल्स का होना चाहिए, 20 पिक्सल्स का सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के सामने जो एड में आ रहा है, यहाँ पर ऑफसेट पाथ पे चले जाएंगे। ऑफसेट पाथ पे जाने के बाद में जो है अमाउंट यहाँ पर कर देंगे आप यहाँ पे -10, क्योंकि हमें 20 पिक्सल्स का चाहिए, तो इनसाइड था, सेंटर में था और हमें चाहिए इनसाइड में, तो ये सारा का सारा इनसाइड आ गया है। अब सेम जैसे हमने सेंटर के ऊपर कंट्रोल डी किया था, और वैसे ही यहाँ पर कॉपी बनानी है, कंट्रोल डी करके कुछ दो कॉपीज बन जाएगी। उसके बाद सेंटर की जो कॉपी है उसको जो है कलर हम लोग है कर देते हैं ब्लैक, और इसका जो है 16 पिक्सल रख लेते हैं। और जो सबसे टॉप पे है इसका थोड़ा सा कलर ग्रे साइड कर लेते हैं और ओके करते हैं, और इसको इसका कर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल्स, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास वही चीजें आ गई है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं सेंटर में, सेंटर के अंदर अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी ओपन करता हूं, तो यहां पर देखो मैंने डैशेज को कितना किया है, 23, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपने, 23 आपने सब में 23 ही करना है। तो यहाँ पर भी मैं वही काम करने वाला हूँ, कंटेंट में जाते हैं और रेक्टेंगल में स्ट्रोक के अंदर, एंड यहाँ से राउंड, यहाँ से भी राउंड, और ये डैशेज को यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से करेंगे 23, और ये जो ऑफसेट है इसके ऊपर लगाएंगे आप, ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे टाइम और स्टार -100, ठीक है, ये प्रेस करेंगे और यहाँ पर कहीं पर भी बाहर क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये भी आपका रनिंग हो गया, ठीक है जी, दोनों आपके हो गए। अब सेंटर में भी हो गया, साइड में भी हो गया। अब बात करेंगे कि थर्ड वन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग नॉर्मली अभी साइज बना रहे हैं, बाकी आप इसको जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब अगर लेफ्ट के अंदर विंग्स है तो राइट के अंदर भी विंग्स होगा। तो अगर मैं टोटल कंपोजिशन की बात करूं कि कौन टोटल मेरा एलईडी वॉल कितना सेटअप लगा है, क्या साइज में लगा है, तो अगर मैं उसको काउंट करूं तो 8 पैनल तो मेरे लग गए हैं जी आपका सेंटर के अंदर, ठीक है, 2 पैनल लेफ्ट में और 2 पैनल राइट में, टोटल पैनल बन गए मेरे पास 12, ठीक है। और मैं यहां से लेता हूं कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर लिया मैंने, और 12 पैनल्स मेरे टोटल लगे हैं, तो 12 × 120 तो कितना बना, 1440, ठीक है, तो ये बना मेरा टोटल। अब जो यहाँ पे मैं एक चीज और करता हूँ, यहां से मैं करता हूँ अभी फाइनल, ठीक है, तो फाइनल कर लेते हैं। तो चौ कितना बना था, 1440, एंड हाइट मेरा जो है सेम रहेगा, ठीक है, तो अभी ये मेरा फाइनल्स बन चुका है। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग काम करते जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी हमारी कंपोजिशन बनती जा रही है। तो यहाँ से हमने कंपोजिशन, यहाँ से कुछ भी नहीं लेना, यहाँ से लेना है सबसे पहले क्या देते हैं, सेंटर, तो सेंटर मेरा यहाँ आ गया। उसके बाद जो मैं उठाता हूँ साइड विंग्स, तो साइड विंग मेरा यहाँ पर आ गया। तो अभी देखो साइड विंग क्या है, इसकी डायरेक्शंस क्या है, राइट टू
सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, साइड विंग्स को हम लोग अलाइंस कर लेते हैं। अलाइंस करने के लिए आपके पास से ये होगा, और यहाँ पर आपको पता ही है अलाइंस के बारे में, तो यहाँ से मैं इस साइड में कर लेता हूँ, इस साइड के अंदर किया तो ये बाहर की तरफ रन करता है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, कॉपी बनाता हूँ इसकी, और इस पे इसको जो है प्री कंपोज कर लेते हैं। राइट क्लिक कर गया, प्री कंपोज दोबारा कर लेते हैं। करने के बाद इसको राइट क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल गया एंड इसको हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हॉरिजॉन्टल क्लिक करूंगा तो ये घूम के इस साइड में आ गया है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि आप एक सिंपल तरीके से जो है हमने इस टाइप का जो है विंग्स रेडी कर लिया है, ठीक है। अब ये सब रेडी करने के बाद में, अब अगर आप चाहो तो इसमें मल्टी बना सकते हो। मल्टी मतलब, मल्टी का मतलब है कि अगर मैं इसके अंदर एक चीज और कर लेता हूँ, यहाँ से जो है और इसको करते हैं, यहाँ पर क्या करता हूँ, करता हूँ 240, एक सेकेंड एंड इट ओके, ठीक है। मैं यहाँ से जो है रेक्टेंगल टूल देता हूँ, सेम टू सेम यहाँ से मैं लेता हूँ रेड कलर्स, ओके एंड यहाँ से करते हैं हम लोग 20 pixels, और इसको डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ऑफसेट में, ऑफसेट के बाद में यहाँ जाएंगे हम लोग जो है -10 कर देते हैं, ठीक है ओके। तो ये हो गया। अब रेक्टेंगल के पाथ के अंदर जाएंगे और इसका राउंडनेस बढ़ा देंगे लाइक दिस, इसको पूरा राउंड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा राउंड हो गया। अब राउंड होने के बाद क्या करते हैं, अब इसकी जो है कुछ कॉपीज लेते हैं, जैसे कंट्रोल डी, 3 कॉपीज ली। सेंटर वाली कॉपीज को क्या करते हैं हम लोग जो है यहाँ पर, सॉरी 10 पिक्सल्स लिया मैंने, कम ले लिया, दोबारा करता हूँ इसको, 10 पिक्सल्स लिया है तो गलत किया है, 20 पिक्सल्स लेना चाहिए था मुझे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 20 पिक्सल्स करता हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल करने के बाद यहाँ से मैंने जो है ऑफसेट पाथ जो है इसका किया था वो -10 किया, ठीक है, डन है। और उसके बाद में जो है हम लोग अब क्या करते हैं, इसको जो है इसकी कॉपीज लेते हैं, कंट्रोल डी करके 3 कॉपीज लेते हैं। तो थर्ड वन जो सेंटर की कॉपी है इसको कर देते हैं ब्लैक कलर, और इसको कर देते हैं 16 पिक्सल्स, ओके। ऊपर वाली जो है इसको थोड़ा सा हम लोग इस टाइप से ब्राउन करते हैं, और इसको कर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है सेम टू सेम वैसा ही आ गया। अब सबसे टॉप वाली जो लेयर है उसके ऊपर मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ, और यहां से मैं जो है शॉक के अंदर जाकर जो है राउंड, यहां से भी राउंड, और यहां से जो है डैशेज को करते हैं 23, ठीक है। और इस ऑफसेट के ऊपर मैं जो है ऑल्ट के साथ में की फ्रेम लगाता हूं, टाइम स्टार -100, सेम तो सेम रखेंगे। तो ये देखें मेरे पास इस टाइप का राउंड में भी आ गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब करना क्या है, अब जैसे ये जो फाइनल कंपोजिशन है, या तो इसके ऊपर आप यूज कर सकते हो या साइड विंग्स के ऊपर यूज कर सकते हो। अब साइड विंग्स के ऊपर क्या करते हैं, कंपोजिशन नंबर 2 जो मैंने अभी बनाई ये राउंड वाली, ये उठाकर यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। ये किसके लेके आते हैं, साइड विंग्स के ऊपर, सॉरी साइड विंग्स के ऊपर लेकर आते हैं। तो ये देखो आपका जो है इसके साथ अंदर जो है वो बन गया है कंपोजिशन, और इसको जो एक्सप्रेस करते हैं थोड़ा स्केल कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कुछ इस टाइप से स्केलिंग कर सकते हो उसकी, कि आप साइड के नहीं चाहते हो, यहाँ पर नहीं चाहते, और अगर आप इसको चाहते हो कि साइड में भी ये थोड़ा घूमे, यहाँ पर रखें, तो हम लोग इसको इस टाइप से है स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से स्केलिंग करने के बाद में जो अगर हमारा फाइनल देखेंगे, तो फाइनल भी हमें ऐसा रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। सेम प्रोसीजर जो है हम लोग ऐसा ही साइड की स्क्रीन के साथ में या साइड के इसके साथ में बनाकर इसके साथ भी कर सकते हैं। तो यहां तक जो है आप इसके अंदर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं जो पार्ट के अंदर इस वीडियो को डिवाइड कर रहा हूं, और जो है इस एक एक पार्ट को जो है आप क्लियरली देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ कलर कलेक्शंस के बारे में, या कुछ और डिजाइन्स के बारे में। तो यहां तक ये क्लास यहीं तक है, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास के अंदर।